हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड्स हेवन। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। यह बहुत ही कम समय में आसानी से बन जाता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में एक कप बेसन ले लेंगे, एक चौथाई कप प्याज डाल देंगे, एक चौथाई कप टमाटर डाल देंगे, एक चौथाई कप शिमला मिर्च डाल देंगे, एक चौथाई कप गाजर डाल देंगे, थोड़े धनिया के पत्ती डाल देंगे, दो हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से सब्जियां ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो या जो भी आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है ना तो बहुत ज़्यादा पतली रखनी है, सो इसलिए उस हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करते जाएँ। ये देखिए, बैटर बिल्कुल रेडी है। इसे बनाने में लगभग एक तिहाई कप पानी इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए अब चीला बनाना शुरू करते हैं। पैन में आधा चम्मच घी डालकर अच्छे से फैला लेंगे और इसमें बैटर को डालकर अच्छे से फैला लेंगे। ये मैं बड़ा चीला बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटे छोटे चीले भी बना सकते हैं। इसे स्पून की मदद से अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे और गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखेंगे। धीरे धीरे पकाएंगे तो यह अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। चीला अच्छे से फैला दिया है, अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, ऊपर की लेयर ड्राई हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। ये देखिए, चीला साइड साइड से आराम से निकल जा रहा है, तो अब इसे पलट लेंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ऐसा करने से जो चीला है वह अंदर तक अच्छे से पक जाएगा और जल्दी भी पक जाएगा। इसे ऐसे ही 1 से 2 बार और पलट लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए, चीले का कलर बहुत बढ़िया हो चुका है और यह दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। इसे पैन से निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी चीले भी बना लेंगे। अगर आप घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप बैटर को डायरेक्टली पैन पर डालकर बना सकते हैं। नेक्स्ट चीला मैं छोटा बना रही हूँ। यह चीला बहुत हेल्दी है और साथ में बहुत टेस्टी भी है। आप इसे सुबह के नाश्ते में खाएं। इसमें बेसन है जो कि हाई इन प्रोटीन होता है। हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खाने के बाद भूख भी कम लगती है, पेट भरा भरा लगता है और वेट लॉस के लिए यह बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आप इसे हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं। बड़े और बच्चे हर किसी को यह चीला बहुत पसंद आता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।